नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अपना नया आधार कार्ड बनवाया है या अपने परिवार में किसी भी सदस्य का आधार कार्ड बनवाया है या आधार कार्ड में आपने कुछ अपडेट करवाया है तो आपको कुछ इस तरीके की एक स्लिप जरूर मिली होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आपके पास ये एक स्लिप है तो कैसे आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल से वो भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही कहीं जाने की जरूरत है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है तो अभी से इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमारी मेहनत को सफल कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑलवेज जरूर कर दीजिए। चलिए जानते हैं इस एक स्लिप से कैसे आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल से वो भी फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन पर आकर किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें और टाइप करें uidai.gov.in और जो सबसे ऊपर वाला लिंक दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। दोस्तों, आधार कार्ड की इस वेबसाइट पर आकर आधार कार्ड से रिलेटेड आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है गेट आधार। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपके सामने कई ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ अपने को डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हम आ जाते हैं न्यू पेज पर। यहाँ पर आधार कार्ड से, आधार नंबर से भी आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, एनरोलमेंट आईडी से भी करते हैं और वर्चुअल आईडी से भी कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनरोलमेंट आईडी से कैसे आधार कार्ड को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए दोस्तों, एनरोलमेंट आईडी पर हमें क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो 14 अंकों की एनरोलमेंट आईडी होगी, जो स्लिप में लिखी होगी दोस्तों कुछ इस तरीके से, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। चलिए, वो एनरोलमेंट आईडी हम यहाँ पर एंटर देते हैं क्योंकि जब आपने आधार कार्ड अपडेट करवाया होगा तो आपको वो स्लिप मिली होगी। तो हमने एनरोलमेंट आईडी 14 अंकों की यहाँ एंटर कर दी। कैलेंडर पे क्लिक करके जिस समय आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट कराया है वो डेट और समय आपको कैलेंडर पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों, आपको कैप्चर कोड एंटर करना है। तो जो आपके मोबाइल फोन पर उस समय कैप्चर कोड आ रहा है सेम टू सेम देख कर आप उस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर दें। हमने फिल कर दिया। अब हम करते हैं सेंड ओटीपी पे क्लिक। जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ लिखा एंटर ओटीपी, तो जो आपका आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ एंटर करना है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर आ चुका है 6 डिजिट का ओटीपी, हमने वो यहाँ पर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा है टेक एक क्विक सर्वे, तो यहाँ पर कुछ सर्वे है जिनके आपको जवाब जरूर देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लिखा है कि आधार कार्ड रिप्रिंट हो जाता है इस वेबसाइट से, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो यहाँ पर आप इसके बारे में जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो। चलिए, हम नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो दूसरा सर्वे, इसमें आपसे पूछा जाता है कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से जो आप आधार कार्ड यहां पर डाउनलोड करते हैं एसएमएस मिल जाता है तो कब तक आपके पास आधार कार्ड आ जाता है, तो चलिए हम यहां मोर 15 डेज कर लेते हैं और यहां पर वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए एक फाइल आ जाती है, दिस फाइल ए प्रोटेक्टेड, तो यहां पर आपको पासवर्ड पूछ रहा है। अब पासवर्ड आपको क्या एंटर करना, जिनके नाम का आधार कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों उनके नाम के पहले जो 4 वर्ड होते हैं कैपिटल लेटर में वो एंटर करने हैं और डेट ऑफ ईयर एंटर करनी है। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल लेटर में आपको एंटर करना है, डेट ऑफ ईयर एंटर कर लीजिए, उसके बाद ओपन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, आपका पूरा आधार कार्ड यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड हो जाता है। बिना आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो इसका प्रिंटआउट आप निकलवा के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आधार कार्ड आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने सीखा एक्नॉलेजमेंट स्लिप से कैसे आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो जरूर आपके लिए यूजफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हो आपके लिए फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत।